वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सुनब। दोस्तों, द केरला स्टोरी पहली बार हल्का सा डिप हमने देखा है बॉक्स ऑफिस नंबर में। 7.9 करोड़ प्लस का कलेक्शन कल का दिन किया, वेनेसडे का दिन किया, जो थोड़ा सा हल्का सा कम है एज कंपेयर टू यू नो द अर्लियर कलेक्शन, द काइंड ऑफ कलेक्शन दैट इट वॉज डूइंग ऑन अर्लियर डेज। बट इट इज ओके यार, ये छोटा सा हल्का सा डिप कोई मायने नहीं रखता है, कोई सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि सुपर डुपर हिट तो बन चुका है केरला स्टोरी। इनफैक्ट ब्लॉक बस्टर भी आप कह सकते हो द केरला स्टोरी को, क्योंकि इतना कलेक्शन करना, बजट क्या होगा फिल्म का, तो वो बजट लेके अगर आप देखोगे द काइंड ऑफ नंबर 150 करोड़ प्लस का जो कलेक्शन अब तक जो किया है, तो यार अभी ये सिंगल डिजिट में आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द रेस इज ऑन टू 200 करोड़। क्या आदा शर्मा का ये फिल्म 200 करोड़ कितना जल्दी टच करेगा आपके हिसाब से? व्हेन विल दैट 200 करोड़ बी ब्रीच्ड, दैट 200 करोड़ मार्क बी ब्रीच्ड अकॉर्डिंग टू यू? आपका टेक आपको लिखकर बताना। एंड लेट मी नो दोस्तों, कल का जो कलेक्शन आया ऑल्दो इट इज इन सिंगल डिजिट, वो अच्छा है कि नहीं आपके हिसाब से? एंड क्या स्टडी बिजनेस करेगा कि नहीं इन द कमिंग डेज, और क्या फिर एक बार राइज होने का संभावना है कि नहीं? द केरला स्टोरी को वीकेंड पर बड़ा और बिजनेस कर पाएगा कि नहीं? वापस डबल डिजिट में फिर एक बार जा पाएगा कि नहीं द केरला स्टोरी? लेट मी नो व्हाट यू थिंक। एंड ऑफकोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है वो भी आप दे सकते हो। चलिए, फॉर द मोमेंट टाटा।